और बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 11 राज्यों में बढ़ा दी गई है चिंता इस कोरोना ने और अब महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। आपको बताते चले, बढ़ते संक्रमण के बीच महाराष्ट्र पर लॉकडाउन की तलवार लटकती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के 4 शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में मिनी लॉकडाउन की जरूरत है, ये एम्स डायरेक्टर की ओर से कहा गया है। तो कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार चिंतित है, परेशान है और ऐसे में 4 राज्यों में एहतियातन कदम उठा दिया गया है लॉकडाउन को लेकर। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 81,466 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 469 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर शुक्रवार को कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि 11 राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। महाराष्ट्र अभी भी कोरोना के नए मामलों में देश के टॉप राज्यों में बना हुआ है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 47,827 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 202 लोगों की मौत भी हुई। केवल मुंबई में ही पिछले 24 घंटे में 8,832 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये पहली बार है जब मुंबई में एक दिन में 8,800 से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हुए हैं। कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में सख्ती के संकेत दिए हैं। कडक निर्बंध येत्या काही दिवसात आपल्याला लावावे लागतील, ते उद्या परवाकडे मी जाहीर करेन। विशेषतः शहरांमध्ये मी परत एकदा सांगतो, जिथे जिथे अनावश्यक गर्दी होते ही गर्दी आपल्याला टाळावीच लागेल। जी खाजगी कार्यालय आहेत त्या कार्यालयांना सुद्धा आपण प्रत्येकांना सूचना दिलेल्या आहेत, सूचनावलीच म्हणा ना, की लग्न समारंभात किती लोक पाहिजेत, ऑफिसमध्ये किती उपस्थिती पाहिजे, बसमधनं किती लोक गेले पाहिजे। आता ट्रेनमध्ये मी मुंबई मध्ये मी सांगेन की मी सांगितलं होतं की पीक अवर नॉन पीक अवर आता सगळं तुडुंब भरून चाललेलं आहे। महाराष्ट्र के 5 शहर पुणे, मुंबई, ठाणे, नासिक और नागपुर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, जहां कुल मिलाकर 2.5 लाख एक्टिव मामले हैं। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3,594 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। दिल्ली में बिना मास्क के घूमने वालों पर अब सख्त नजर रखी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर चालान काटे जाने की रफ्तार बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और तेजी से होती मौतों पर जी मीडिया ने बात की एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं? स्थिति तो ठीक नहीं है और खतरे की घंटी तो बज रही है कि हमारे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। और अगर हम देखें तो जो हम कहते हैं रेट ऑफ राइज, वो ज्यादा स्टीप है। पहले 80,000 केसेस पहुंचने में हमें कई हफ्ते लगे थे, इस दफा कुछ दिनों में ही हमारे केसेस एकदम इतने बढ़ गए हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है और ये इसके कई, ये जो केसेस बढ़े हैं इसके कई कारण हैं, इसलिए लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला कारक ये है कि जब हमारे केसेस जनवरी फरवरी में कम हुए थे तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कोविड ख़त्म हो गया, अब हमें कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोरोना कहीं गया नहीं था, वायरस अभी भी हमारे बीच था। और जैसे जैसे लोगों ने मास्क लगाना बंद किया, पार्टीज करनी शुरू की, फंक्शन हुए, कई और ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, तो वायरस एकदम फैलना शुरू हुआ। उसके साथ साथ हम तब भी यही सुन रहे थे कि बाहर वेरिएंट्स हैं, यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है। और ये पता था कि जो यूके वेरिएंट है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, वो ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो अगर हम ऐसा एक माहौल बनाएं जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हों और हम वायरस को फैलने दें और यूके वेरिएंट वहाँ पे हो, तो एकदम सब लोगों में फैल जाएगा और केसेस एकदम बढ़ेंगे। और यही हुआ है कि हम देख रहे हैं कि कई एरियाज में केसेस एकदम बढ़े हैं और अब हमें ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्राउड अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, हमें वायरस को आगे फैलने नहीं देना, उसको रोकना है। और जो हम पहले कर रहे थे 6 महीने पहले, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन्स, वो फिर से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उस सारी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में काफ़ी हद तक लापरवाही हो गई है।